ਸਬਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਮੱਛਮੀ ਪਤੰਗ सब साहे बिना मोहब्बत फकीर शिकारपुर खां अटकल पंजनि मेलनि जे मुफ़ासिले ते चोई शाख जे साॼे कप ते हिकु नंढड़ो ॻोठु आहे जंहिंजो असल नालो बख़्शू उनड़ हो, पर हिन वक़्तु बुढल फ़क़ीर जे ॻोठ जे नाव तौरु मशहूरु आहे। शिकारपुर जे चौधारी घणाई नंढड़ा ॻोठड़ा आहिनि, पर हिन ॻोठ खे मुख्य अहमियत हासिलु आहे, छाकाणि त हीउ ॻोठ अॼु खां अटकल हिकु सदी अॻु हिकु अहिड़े विलायत दरवेश जे रहण जो मक़ामु हो जंहिं अटकल हिकु सदी अॻु हिकु अहिड़े विलायत दरवेश जे रहण जो मक़ामु हो जंहिं पंहिंजे नगमा सराईअ सां सिंधी अदब में वॾो मक़ामु हासिलु कयो। हिन अहिले विलायत दरवेश जो इस्म गिरामी हज़रत सूफ़ी बुढल फ़क़ीर हो। बुढल फ़क़ीर जो जनम बख़्शी उन जे ॻोठ में थियो। वालिद जो नालो अब्दुल वासे हो, जंहिंखे आम माण्हू वसियो सॾींदा हुआ। हू सादी ऐं निमाणी तबियत जो मालिक हो। जॾहिं अंग्रेज़नि जे हुकूमत जो अवाइली दौर हो, तॾहिं हर तरफ़ सुकर ऐं सड़ाई हुई, सादगी राहत सम्झी वेंदी ही, कूड़ ऐं फरेब एॾो आम न हो। वसियो फ़क़ीर ॿ टे एकड़ ज़मीन जा आबाद करे सुखियो सताइबो गुज़ारींदो हो, पर हिकु ग़म खेसि मायूस कंदो रहंदो हो, ऐं उहो ग़म हीउ हो त खेसि का बि औलाद कान हुई, जंहिं करे हू सदाई पीरनि फ़क़ीरनि ॾे पियो पंध कंदो रहंदो हो। रिवायत आहे त हिकु भेरे हिकु अलाह वारो फ़क़ीर अची संदसि ॻोठ खां लंघाउ थियो। उन जे नाले जी ख़बर पइजी न सघी, पर फ़क़ीर खेसि नांगो मस्त अलस्त फ़क़ीर जे लक़ब सां सॾींदा हुआ। फ़क़ीर वसे उन अलाह वारे फ़क़ीर जी पुठ वरिती, जंहिं संदसि आजज़ीअ खे ॾिसी दुआ कई। थोरे ई वक़्त खां पोइ खेसि नींगर पैदा थियो, जंहिं ते बुढल नालो रखियो वियो। ज़बानी रवायतुनि मां जीअं त मालूम थिए थो त फ़क़ीर साहब पंहिंजे वालदेन जे हंज में लाॾ ऐं कोड़ सां पलियो, पर जीअं जीअं हू वॾो थींदो वियो, तीअं तीअं माण्हुनि खां परे परे रहणु लॻो। अठनि वरनि जो नंढड़ो ॿार झंगनि में जालींदो ऐं वाटुनि ते विहंदो हो। संदसि वालिद खेसि ॻोठ जे मकतब में पढ़ण लाइ विहारियो, मगर मकतब जी फज़ा खेसि रास न आई ऐं हू मकतब खां निकिरी झंग में बबर जे हेठां या लय जे पाछे में लेटी पवंदो हो। संदसि वालिद खेसि ॻोल्हे घर वठी ईंदो हो। संदसि रंग ढंग निरालो थींदो वियो। हिन जो वालिद ॿार जे हिन अजीब दुनियाई किनारा कशीअ खां नाउमीद थी पियो ऐं खेसि बेहद अफ़सोस थियणु लॻो।
ओठ जा मानू ठठोलियूं करे चवण लगा त वेचारे वसे फकीर जी किस्मत चंगी ना आहे, सिकी सिकी पुट त जायस पर हथां मुसीबत बणजी पयो अथस, अहिड़े पुट खां त बस भली। संदसि वालिद मजबूर थी ॻोठ जे ॿियनि ॿारनि वांगुरु खेसि ढोर चाढ़ण लाइ ॾिना। झंग में ढोरनि पंहिंजी वाट वरिती ऐं ॿुढल पंहिंजी वाट वरिती। जिन खे लऊं लॻी यार जी विसरी वियनि कमकार बि, तलब हुयनि सरदार जी से आम में हथ न अड़िया। सिक तुझे सुपरी, सिक तुझे सुपरी मुझे अंदर को आला, जे विहां त विहण नाचे तो गुमा त थियां गुमराह। तंहिंखो साधन कढु साहु त सुखी थी सुम्ही पां, ॾाढो निहो पुनल मूंसां लायो तो, ॾाढो निहो पुनल मूंसां लायो तो, ओ लायो तोड़े न पायो तो, ओ लायो तोड़े न पायो तो, ॾाढो निहो पुनल मूंसां लायो तो, ॾाढो निहो पुनल। फकीर साहब खे नंढे हूंदे गऊं चारण लाइ मोकिलींदा हुआ। गऊं झंग में चरंदी हुई ऐं पाण हिकु वण जे छांव में वेहंदा हुआ। तव्हांजो फकीर साहब शाम ताईं उन वण जे छांव में वेठो हूंदो हो ऐं माल जॾहिं घर ॾांहुं मोटी ईंदो हो त फकीर साहब बि घर ईंदो हो। माल खे छॾण सां ई माल पोख में वञी पवंदो हो ऐं कुर्मी उन माल खे तड़े छॾींदा हुआ। हिकु ॾींहुं कुर्मी कावड़ जी आयो त इहो हुकुम कयई त उन धनार खे ॻोल्हे विढ़ोसि। जॾहिं फ़क़ीर साहब वटि कुझु माण्हू आया त छा ॾिसनि त ॿुढल साईं निंड पियो आहे ऐं वक़्तु टिपहरी शाम जो आहे, मगर वण जी छांव सुबुह वांगुरु ओलह तरफ़ आहे। इहो ॾिसी ख़्यालु कयऊं त हीउ धनार को मर्द मोला दरवेश आहे, मंझंदि का अहिड़ी मणिया आहे जो वण बि हिन जे अमर में ख़िदमतकार आहिनि। तंहिं करे हिन खे कुझु न चओ मता अलाह नाराज़ थियो पवे। इहो चई हू वापसि हलिया विया। रिवायत आहे त हिकु ॾींहुं जीअं फ़क़ीर साहब झंग में ढोरनि खे गाह खाराइण वियो, तीअं ई मथसि अहिड़ो हाल तारी थी वियो जो हू गश खाई किरी पियो। बेहोशीअ जी हालत में खेसि घर आंदव। संदसि वालदेन ऐं ओड़े पाड़े वारनि ईअं सम्झो त मथसि को साए जो असरु थियो आहे। भोपा घुरायऊं, दुआऊं करायूं, पर हिननि भोपनि खे कहिड़ी ख़बर त इलाहीअ जी मोहबत जो रंग कहिड़ीअ रीत चढ़े थो। हू इलाहीअ जे मोहबत जे रंग में रंगजी चुको हो ऐं मस्तु गुज़ारण लॻो ऐं उन वक़्तु संदसि शाइरीअ जी इब्तिदा थी। जेतोणीकि सुर संगीत खां वाक़िफ़ न हो, पर यकतारो खणी ॻाइणु शुरू कयई ऐं यकतारे ते हिन जेको पहिरियों कलाम चयो सो ही हो। सिगड़ो मोट जो यार तोखे वेठा सारियूं, ॿुढल साईं ख़ामोशीअ सां राति ॾींहुं यादि इलाहीअ में गुज़ारींदा रहिया। हाणे संदसि ज़िंदगी ॼण हिकु सालिक जे सतह ते अची वई। माण्हुनि जूं दिलियूं ॾांस छिकबियूं थी रहियूं। वक़्तु गुज़रंदो वियो ऐं मोहबत जी आग भड़का खाई हाणे नूरानियत में तब्दील थी वई, जा हिकु सूफ़ीअ जी आख़िरी मंज़िल आहे, फिराक जी मंज़िल। मोहब मुईअ जे घर आयो, मेंदी मुंहुं चीलायो, सटियूं हार सिंगार करे सुरही सेज विछायो। जंहिंखे ॾिठे ॾुख दूर थिया, सटियूं कम थियो सजायो। मोहब मुईअ जे घर आयो, मेंदी मुंहुं चीलायो,
बुधल साईं जन जे दिल में हर वक्त उहो ख्याल रहंदो हो त जेको बि माल असबाब आहे सो रब जे राह में खैरात करे मिसकीननि खे खाराइजे। बुधल साईं जन खे टे फर्ज़ंद ऐं ॿ नियाणियूं पैदा थियूं। संदसि वॾो फर्ज़ंद फ़क़ीर अब्दुल हकीम नंगर धणी बादशाह हिकु वॾे हाल ख़्याल वारा अहिले विलायत सूफ़ी दरवेश हुआ। पाण बुधल साईं जन जे बुरके मटाइण खां पोइ सजादा नशीन थिया। संदसि विचो पुटु फ़क़ीर मस्त मोहम्मद मुकीम नरगो लाइक़ु पुटु हो, पर पीउ जो हाल मुहरम ऐं दिलि जो दोस्त हो। पाण हिकु कादुरुल कलाम सूफ़ी शाइर अलाह मर्द कामिल हुआ। हिन में नंढपिण खां ई फ़क़ीर साहिब वांगुरु मस्तीअ जो जज़्बो समायल हो। संदसि टियों फर्ज़ंद साईं फ़क़ीर अब्दुल करीम जन हुआ। बुधल फ़क़ीर जे विसाल वक़्ति पंहिंजे पुटनि ऐं औलाद खे वसियत फ़रमायूं त नंगर क़ाइमु रखिजो, घणी लालच लोभ खां परे भॼिजो, हिकु ई नज़र सां मखलूक खे ॾिसजो, मिसकिननि ऐं मोहताजनि जी सार संभाल लहिजो त अलाह साईं ऐं हज़ूर पाक सलाहु आलह वसलम जन जे टोले में अवां सुरखरू रहंदो। बुधल साईं जन ॻाल्हाईंदे सॼे फ़ुकरा खां मोकिलाए हिन फ़ानी दुनिया मां 12 अक्टूबर 1949 बमुताबिक 1358 हिजरी 27 शेबान जी तारीख़ ख़मीस ॾींहुं बुरको मटाए दारुल बका तरफ़ रवाना थिया। फ़क़ीर साहिब जी शायरी ते नज़र करण सां ख़बर पवंदी त संदसि कलाम घणो करे काफ़िन ऐं बेतनि जे सूरत में मौजूदु आहे, जंहिंखे अवामी शायरीअ जो नालो ॾिनल आहे। ऐं सिंध में एतिरा त घणा अवामी शाइर असांखे मिलनि था जिन जो ॻाणाइटो सिंध जे हिकु सिरे खां ॿिए सिरे ताईं हज़ारनि जी तादाद में करे सघिजे थो। काफ़ीअ जी सिंफ़ खे अख़्तियार करण वारनि में असांखे उहे बुज़ुर्ग हस्तियूं मिलनि थियूं जिन जे फेज़ खां सिंध जी कुंड कुर्छ वासजी चुकी आहे। फिर आयो जितनी हो गया
ਸਾਜ ਲਾ ਜਾ ਬੁਢਲ ਚਵੇ ਖਯੋ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਜਾ ਕਾਹੂ ਤੀ ਲਾਗਾ ਇੱਕ ਲਾਦੇ ਮਜ ਲਗੇ ਵਯਾ ਤਾਨਾ ਤੁਨ ਕਾਹੂ ਮਰੂ ਜਨ ਮੇ ਓਏ ਮੂ ਪਾਤਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗਾ ਅਸਮਾ